नमस्कार दोस्तों, मैं 24x7 से आज आपको एक अपकमिंग मूवी द फ्लैश के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई रहस्य नहीं है कि वार्नर ब्रदर्स ने डीसीयू में विश्वास खो दिया है। उन्होंने जैक शाई ड्राइवर्स को काट दिया और जेम्स गन को डीसी स्टूडियो के सह सीईओ के रूप में स्थापित किया ताकि सुपर हीरो आईईपी को फिर से जोड़ा जा सके। उन्होंने टैक्स ब्रेक के लिए बैटगर्ल को मार डाला। उनकी पिछली दो रिलीज ब्लैक एडम और शज़ाम बॉक्स ऑफिस पर और आलोचकों के साथ अभूतपूर्व और अब स्टूडियो द फ्लैश पर अपनी उम्मीदों को लटका रहे हैं। ये एक एकल फिल्म है जो विभाजित प्रशंसकों और स्टार एज़रा मिलर के खिलाफ कई आरोपों और घोटालों से घिरी हुई है। द फ्लैश में कुछ बेहतरीन डिजिटल वीएफएक्स है जो दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे। मूवी फ्लैश टाइम के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक समय यात्रा की साजिश के लिए मजेदार है। इस फिल्म की पटकथा यानी कहानी और चरित्र आकर बिल्कुल सोने की है। ये शानदार और मजाकिया से अच्छी तरह गोल है। फिल्म में सभी चुटकुले पूरी तरह से उतरते हैं और ये सब एज़रा मिलर के शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद है जो कि अधिक प्रशंसित होता। मैं स्पॉइलर में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ ये उल्लेख करूंगा कि पोशाक और सेट का डिजाइन अविश्वसनीय रूप से कल्पनाशील है। कहानी एक प्रसिद्ध फ्लैश कॉमिक बुक से प्रेरित है, लेकिन मुख्य संदेशों और विषयों को बनाए रखते हुए इसे फ्लैश के वर्तमान पुनरावृत्ति के लिए अधिक प्रशंसित बनाने के लिए पर्याप्त रूप से संशोधित दिया गया है। फिल्म आप सभी को बहुत पसंद आएगी।